और कदीर मुल्ला को मैंने कोर्ट के अंदर बुलाया, एक एक लाख के वकील लगाने लगा। अरे शक्ति कम, तू उन लोगों को डरा जो डरता हुआ ये अफसर खान के चेहरे में डर नाम की कोई चीज है नहीं। तू लाख रुपए का वकील बोला, तेरे लिए 5 लाख रुपए का वकील लगा, 5 लाख का, मैं किसके पास से डरता नहीं। और तू मेरे जगह के क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा शक्ति कपूर? अब तेरा सुन, तेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे मित्रों के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे भाई के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे बीवी के जो तूने 7 12 मेरे पास है, तेरे भतीजों का, तेरे सब के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और तूने गवर्नमेंट को लुटा है 2-7 करोड़ रुपए। बोले ना आदर्श घोटाले में भी जो उसने काम किया, आदर्श घोटाले का जो उसने इश्यू उठाया, आदर्श घोटाले की जो उसने बात किया, पहले आदर्श घोटाले वाले मेरे वहां पे अनेक लोग मेरे साथ हैं, अनेक लोगों ने मेरे को पहले 5 करोड़ की डिमांड करा, फिर 3 करोड़ की डिमांड करा, फिर 2 करोड़ की डिमांड करा। इसको भावर्स ने वो खुद अंदर था, बोला मैं पैसे काट दे दूं, इसलिए इन्हें इतना एग्रेसिव हो गए ना। इसने हज हाउस के लिए आंदोलन करा, ना इसने मुस्लिम आरक्षण के लिए सीएम डिप्टी सीएम उनको घेरा डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर घेरा डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर कमिश्नर ऑफिस गया, आदर्श घोटाले के लिए बराबर सीएम को काले झंडे बताने की बात करा। अरे लेकिन तूने मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं किया? मुस्लिम समाज के लिए तू क्यों नहीं गया? मुस्लिम आरक्षण के लिए क्यों नहीं गया? और तू हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हो रही वो कमीने को अंदर करो, बल्कि सीएम का घेराव क्यों नहीं करा? अरे तू तो सीएम से कहने जुटता है। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। औरंगाबाद तक जो न्यूज चैनल है ये बहुत ही बेबागी से और औरंगाबाद शहर में या मराठवाड़ा में जितने भी हादसे होते हैं उसको सामने लाने का काम औरंगाबाद तक चैनल करता है और बेबागी से ये सारी न्यूज लोगों को दिखाते हैं, लोगों तक सच्चाई लाते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं और पूरी बेबागी से ये लोग आज औरंगाबाद तक जो चैनल है ये मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली के जानिब से इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये शहरी औरंगाबाद मराठवाड़ा में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में औरंगाबाद तक चैनल का नाम हो और औरंगाबाद तक चैनल बहुत अच्छे से चले और ये इसी तरह बेबाकी से न्यूज लोगों को दिखाते रहे, लोगों तक न्यूज पहुंचाते रहे। मैं अपनी जानिब से इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, नहीं डरता हूँ किसी के माफ से। आज सभी मेरे शहरान औरंगाबाद, पूरा जिला, पूरा मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को, अफसर खान जब भी कोई बात करता है तो पूरी मालूमत और पूरी सच्चाई के साथ करता है और पूरी अपडेट मेरे पास रहती है, उसके बाद ही मैं बात करता हूं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 15 से 20 दिन पहले फेसबुक लाइव पे आकर औरंगाबाद तक के मैंने जो बाइट दिया था, मैंने शहरान औरंगाबाद को, पूरे जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बताया था कि शक्ति कपूर ने 5 करोड़ रुपए लेके डॉक्टर साहब का टिकट कट कर दिया। अब मैं तो एमआईएम पे हूं नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सारी अपडेट मेरे पास रहती है और मैंने 15 दिन पहले बोला और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब का टिकट उसने कट कर दिया 5 करोड़ रुपए लेके। और वही डॉक्टर साहब ने बोला है कि मेरा टिकट इसने कट कर दिया क्योंकि मैं 15 साल से मेहनत कर रहा। पहले भी आप तमाम लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताया था और मैं जो भी बात करता हूँ सच बात करता हूँ, सच्चाई सामने रखता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि ये किसके इशारे पे काम करता है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, किसके लिए काम करता है ये आप लोगों ने देख लिया। फंडवीस के नाम डायरेक्ट डॉक्टर साहब ने लिया और ये जो काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है। और आपने देखा होगा डॉक्टर साहब ने बोले ये झूठा मक्कार, और डॉक्टर साहब ने एक नया नाम दिया चीटर, चीटर है ये चीटर और सचमुच चीटर है।
सब से चीटिंग करता है, मुसलमानों से चीटिंग करता है, दलित समाज से चीटिंग करता है, हमारे आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर साहब से भी उसने वादा किया था कि मैं तुमको महाराष्ट्र का सीएम बनाऊंगा, लेकिन उसने फडणवीस से बात करके 50 करोड़ रुपए लेके उसने युति तोड़ा था। आप सब लोगों ने देखा, उनके कार्याध्यक्ष जो 10 साल से 12 साल से ईमान में काम कर रहे थे, वो शख्स आके बोल रहा है कि ये झूठा मक्कार दलाल सप्लायर और चीटर, ये तमाम बातें आप लोगों ने देख ली। उनका ही कार्याध्यक्ष आके पब्लिक में बोल रहा है, और मैं जो बोल रहा था, मैं कभी गलत बात करता नहीं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं। आपने देखा होगा फैयाज अहमद का बॉम्बे से टिकट काटा था, वो अकबर अवैसी ने उनको खुद बुलाकर टिकट दिया। इसको जहां गांधी जी मिलती है, ये खड़े करने के भी गांधी जी लेता है, विड्रॉल करने के भी गांधी जी लेता है, और तमाम लोगों से सिर्फ गांधी जी के लिए काम करता है। इसको कौम और मिल्लत से कोई लेना नहीं है, कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों से कोई लेना नहीं है, इसको दलित समाज से कोई लेना नहीं है, इसको कोई भी समाज से कुछ लेना नहीं है, ये सिर्फ गांधी जी की तरफ से आते हैं, वो देखता है। और आप लोगों के मतदान के खुद का घर बनता है। और अभी उसने एक बात और बोली कि मैं नांदेड़ से लड़ रहा हूं, तो नांदेड़ की सुपारी बहुत बड़ी थी, 10 करोड़ की सुपारी इसके पास आई थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा कि चिखलीकर बहुत कम वोटों से गिरा, इसको खड़ा करके 10 करोड़ की सुपारी थी। लेकिन मैं सलाम करता हूं मेरी उस बाजी को, तो जिसने फेसबुक लाइव आके, जिसने बाइट देके बोला कि ये वहां पर खड़े रह के जीतने के लिए नहीं आ रहा, ये महाविकास आघाड़ी की सीट को गिराने के लिए आ रहा, बहुत बड़ी सुपारी इसने लिया, मैं सलाम करता हूं उस बाजी को। उसने उसकी पोल खोली, और मैंने भी जैसे सुना कि नांदेड़ जा रहा, तो मैंने भी बोला आ रहा हूं मैं नांदेड़। आप लोगों ने देखा सबने, ये सिर्फ सुपारी मास्टर है, ये चीटर है, ये कौम और मिल्लत से चीटिंग कर रहा है, दलित समाज से चीटिंग कर रहा है, अनेक समाज से चीटिंग करता है। इसका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है, ये गांधी जी के लिए काम करता है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वैजापुर से फॉर्म मंगा लिया उसने, वैजापुर से भी फॉर्म मंगा लिया, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा, TV9 पे देखा सबने। ये फॉर्म सिर्फ इसलिए मंगाता है कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट लड़ रहा है उससे मांडोली हो जाना, उससे तोड़ पानी हो जाना, उससे तोड़ पानी करने के लिए फॉर्म मंगाया है, कोई वहां से लड़ने के लिए नहीं मंगा। अनेक जगहों पर ये खड़े करने के भी पैसे लेते हैं बीजेपी से, और विड्रॉल करने के, जहां नहीं खड़े करने के, वहां भी महाविकास आघाड़ी से पैसे लेते हैं। इनका ईमान धर्म सिर्फ गांधी जी है, ये गांधी जी के लिए काम कर रहे, कौम और मिल्लत के लिए काम नहीं कर रहे, इनका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में नौजवान साथियों को मरवाने का काम ये कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मरवाने का काम ये कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुपारी लेके बुलडोजर चलाने वाले भी ये लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने देखा होगा, और मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि सबकी दिशा भूल करता है, और डॉक्टर साहब ने भी यह कहा कि ईमान जाए भाड़ में, बाकी सीधा जाए भाड़ में, मैं कैसे छुट के आता हूं। तो इसके मुंह को लगा हुआ है खून, ये खून डाकन भी खून पीती है, लेकिन वो एक घर भी छोड़ देती है, लेकिन ये शक्ति कपूर एक घर भी नहीं छोड़ता, हर जगह से बोलता गांधी जी आ देते, हर जगह से बोलता गांधी जी लाओ। तो ये शक्ति कपूर सिर्फ गांधी जी गांधी जी गांधी जी करता है। और शक्ति कपूर हर बार पूर्वों से लड़ रहा हूं, पूर्वों से लड़ रहा हूं, आज तारीख कितनी है, 25 तारीख 24 तारीख हो गई, कल 25 है, 32 तक फॉर्म भरने की डेट है, लेकिन इसने ये डर से आज तक कहां से लड़ रहा है डिक्लेयर नहीं करा। तो अफसर खान ने भी दोनों जगह के फॉर्म लाके रखा है, दोनों जगह के फॉर्म मेरे पास 3-3 है, और मैं आदरणीय मेरे नेता बाड़ा साहब अंबेडकर साहब का मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो अगर मुझे आदेश दे तो मैं नांदेड़ से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं वैजापुर से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं पूर्वों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं मध्य से सेंटर से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं योद्धा है, मैं लड़ता हूं। चाकी बाजी लगाने वाले को कहते हैं जाबाज, और मैं जाबाज हूं। अल्लाह के फंदो करम से मैं किसी के बाप से डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं। मैं कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे आदरणीय नेता बाड़ा साहब अंबेडकर का मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर वो इंतजार, वो बोलते हैं कि अफसर खान यहां से लड़ो, तो मैं लड़ने के लिए कहीं से भी तैयार हूं। महाराष्ट्र के अंदर मैं भी कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं सक्षम हूं, मैं योद्धा हूं। लेकिन
मेरे आदरणीय बाला साहब ने अगर कहा कि अफसर खान आप लड़ो मत, तो मैं आदरणीय मेरे नेता का उतना ही इज्जत करता हूं, उतना ही मैं उनको चाहता हूं, वो मुझे चाहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अफसर खान आप लड़ो मत, तो मैं मेरे नेता की बात को टालूंगा नहीं। अगर वो बोलते हैं कि पूर्व में प्रचार करो पार्टी का, मध्य में प्रचार करो पार्टी का, पश्चिम में प्रचार करो पार्टी का, वैजापुर में करो, गंगापुर में करो, खुल्दाबाद में करो, कन्नड़ में करो, हर जगह मैं मेरे नेता के आदेश का पालन करूंगा। और मेरा नेता सब समाज को साथ में लेकर चलता, आप देख रहे होंगे एससी एसटी ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए अनेक यात्राओं पे मेरा नेता निकला हुआ है। और मेरा नेता एक समाज को साथ में लेकर नहीं चलता, अनेक समाज के साथ हमेशा उनको न्याय मिलना चाहिए। आपने देखा होगा पैगंबर बिल मेरे ही नेता ने विधानसभा में डाला था, मेरा नेता औरंगाबाद के नाम को भी विरोध किया, मेरा नेता झाझा मुसलमानों पे भी जुल्म अन्याय अत्याचारों के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भी मेरे नेता ने जाके ज़ियारत किया। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही फॉर्म भरने की मेरी डेट आई, मैंने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जाके ज़ियारत किया। मैं किसी के पास से डरता नहीं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस यहाँ के बादशाह है, उन्होंने राज किया। और ये तो बोलता औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले, अरे अब तू भी आला गेला छूट गया है तो आला गेला और मेला, तू खुद तेरी बाइट में बोल रहा है, तू खुद तेरी बाइट में बोल रहा है कटकट गेट पे कि अगर मेरी नियत पे खोटे तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिता के नहीं देगा। तो मैं समझता हूं कि तेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह ताला ही चाहता है कि तू कभी जीते ना। ये बार अल्लाह ताला ने देखो दो बार लोगों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने जिताया, लेकिन तू उस पर खड़ा नहीं उतरा। कौम और मिल्लत के ही नौजवानों को बर्बाद किया तूने हर जगह, कौम और मिल्लत को ही बदनाम किया, कौम और मिल्लत के 100 बच्चों को बटन प्लेयर बोल के अंदर करा दिया, कटकट गेट पे कैमरे में आएंगे अंदर जाएंगे बोलता, पड़े गांव पे वही बोलता है तू, और रिसर्च सेंटर में बोलता है कि सबसे ज्यादा औरंगाबाद शहर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की ज्यादा बस्ती है वह सबसे नशे का कारोबार मुसलमान कर रहे हैं और नशा करने का भी काम मुसलमान कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, अरे पर्दा डाला जाता है, तू मुसलमानों को एक्सपोज कर रहा है, जो नहीं कर रहे उनको भी बदनाम कर रहा है। तू मुसलमानों की तूने सुपारी लिया हुआ है, तेरे अंधे टुकड़े में तेरे सदर में भी सुपारी लिया हुआ है। और एक नामक को तीन बच्चे होते हैं, एक टुकार होता है, एक झगड़े लपड़े करता है और एक कमाऊ खुद रहता है, बिजनेस करता है, बहुत पैसा कमा के देता है। तो अब इसने ऐसे ही किया अंधे टुकड़े सामने के करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बिजनेस करके करोड़ रुपए समेट के अनेक पार्टियों से दे रहा है, तो ये अच्छा लगेगा ना, इसकी सुनेगा ना डॉक्टर गफ्फार कादरी की क्यों सुनेगा? डॉक्टर गफ्फार कादरी तो पूरी ईमानदारी से एमआईएम का काम करता है, एमआईएम के लिए जेब से खर्चा करता है, पार्टी बढ़ाने का काम करता है, उन्होंने तो पूरे महाराष्ट्र में पार्टी खपा दिया, लोगों के समझ में आ गया, लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए। पुणे में खासदार के इलेक्शन में 850 तुम्हारे इधर उस्मानाबाद में 2000 वोट, बंबई में 1300, 1700, 1800 सिर्फ औरंगाबाद के हद तक तू लोगों को बेवकूफ दो बार बना दिया, तीसरी बार नहीं बना सका इसलिए तू गिर गया। और आगे भी तू खुद बोल रहा कि मेरी नियत पे अगर खोटे तो मैं कभी छूट के नहीं आऊंगा, नहीं तो अल्लाह ताला मेरे रास्ते बना देगा। अल्लाह ताला ने मेरे सब रास्ते बंद कर दिया। और तू बोलता है ना कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के मुसलमान कब तक के कुर्सियां उठाएंगे, कब तक के शतरंजियां बिछाएंगे, कब तक के चटाया बिछाएंगे, तो तू क्या कर रहा? जितने तेरे कार्यकर्ता है, जितने शहर अध्यक्ष है, जितने जिला अध्यक्ष है, उनको क्या कर रहा तू? सीट वही उठाने लगा रहा ना, कुर्सी उठाने लगा रहा, चटाया बिछाने लगा रहा, सब तू वही कर रहा। अरे तो तू भी हर जगह तू ही आमदार मेरे को दे दो, प्रदेश अध्यक्ष मेरे को दे दो, खासदार मेरे को दे दो, अरे खासदार गिर गया ना, अब तू बैठना घर में आराम कर। जो तेरे सिटी प्रेसिडेंट है, जिला प्रेसिडेंट है, एक तू मध्य से दे, एक तू पूर्व से दे तो हम मानेंगे, लेकिन तेरे मुंह को खून लगा हुआ है, तू छोड़ेगा नहीं। और तू पूर्व से नहीं, तू वैजापुर से नहीं, तू सेंटर से लड़ेगा। मैंने 15-20 दिन पहले भी बोला था और आपके माध्यम से और फेसबुक के लाइव के माध्यम से बोला कि सेंटर से लड़ेगा, उसके मुंह को खून लगा हुआ है। अब उसको जो पैसा आता था देशी दारू का 5 लाख हफ्ता, वाइन शॉप का 5 लाख हफ्ता, गुटके में पार्टनर, रेती में पार्टनर, अनाज में पार्टनर, बायोडीजल में 3 दिन लोगों के साथ पार्टनर, ये सारे उसका बंद हो गया तो पागल छाले कर लो, नींद में रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक घर में सो रहा, नहीं करवटे बदल रहा और वेब सीरीज देख रहा, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, क्या देख रहा तू? वेब सीरीज 3-3, 4-4 बजे तक करवटे बदल रहा, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, तेरी हर रिपोर्ट मेरे पास रहती,
और मेरा भतीजा तेरे ऑफिस में आया था, तो उसको क्या बोला कि अफसर खान के जगह के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और कदीम उल्ला को मैंने कोर्ट के अंदर बुलाया, एक एक लाख के वकील लगाने में कहा, अरे शक्ति कपूर तू उन लोगों को डरा जो डरता हुआ या अफसर खान के जिगरे में डर नाम की कोई चीज है नहीं, तू लाख रुपए का वकील बोला तेरे लिए 5 लाख रुपए का वकील लगाओ, 5 लाख मैं किसके पास से डरता नहीं, और तू मेरे जगह के क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा शक्ति कपूर, अब तेरा सुन, तेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे बेटो के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे भाई के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे बीवी के जो तूने 7-12 मेरे पास है, तेरे भतीजों का, तेरे सब के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और तूने गवर्नमेंट को लुटा है 2,7 करोड़ रुपए तूने गवर्नमेंट को लुटा है, और तेरे साथ जो बाबा बिल्डर रहता है उसने गवर्नमेंट को 500 से 600 करोड़ रुपए को लुटा है, बाबा बिल्डर और तू हत्या तुम मिलेंगे, जेल में तुम जाएंगे, अफसर खान ने जाने वाला, अफसर खान ने कोई ऐसा काम किया नहीं, अफसर खान ने गवर्नमेंट को लुटा नहीं, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली नहीं किया, तिजोरी खाली करने वाला तू और बाबा बिल्डर है, अफसर खान आमदार के इलेक्शन के बाद तू क्या मेरे को डरा रहा, वकील लगाने लगाया, लाख रुपए का वकील लगाया, और तेरी फाइलें, तेरी अनेक फाइल मेरे पास है, और अभी सुन और एक बात बोलता मैं, अभी तेरे भाई ने जो 55-58 लाख का सोना लिया ना, वो भी मेरे को मालूम है, कहां से पैसा है वो भी मेरे को मालूम है, तू कहां से कितने पैसे लेता है वो सब मेरे को मालूम है, और मैं किसी की बंदर भक्कियों से डरता नहीं, और तेरे से क्या डरूंगा, आप जाने तू शिक्षा है, तेरे से क्या डरेगा अफसर खान, अफसर खान ने तो तेरे को एक पे तोहफी नहीं दिया, आज तक तुझे कोई आया न तेरे में दम है न तू आ सकता, अफसर खान को बोल, अफसर खान वन मैन शो, एनी जगह एनी टाइम, वक्त भी तेरा होगा, जगह भी तेरे होंगे, आदमी भी तेरे होंगे, और अफसर खान वहां आने की ताकत और हिम्मत रखता, अफसर खान वहां के मुकाबला करेगा, और तू गिदड़ भक्तिया हमको मत दे, और डॉक्टर साहब ने जो बोला तेरे को चीटर, तो सही तू चीटर है, पहले भी चीटिंग करता था, पहले भी तू सप्लाई था, पहले भी तू सप्लाई करता था, और आज भी मैं काम करता हूं, दूसरा तेरा काम है क्या मैं आपको बता देता हूं, आपने कुछ तय किया आप इलेक्शन कहां से लिए, जैसा पता है भारत के वक्त के बाद आपकी इच्छा कहां से, देखो मैंने तो कुर्मू के भी फॉर्म ला के रखा, बद्दे के भी फॉर्म मेरे पास है, वैजापुर का भी कल फॉर्म मंगा लूंगा, उसने कहां से मंगाया, नांदेड़ बोले तो मैं नांदेड़ भी लाऊंगा, मेरे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर वो मुझे जहां से आदेश देंगे वहां से पूरी क्षमता पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा और लड़के रहूंगा, मैं योद्धा है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं 25 साल से इलेक्शन लड़ता हूं, और मैं अलग वार्डों से चुन कर आया, मैं भीमनगर से चुन कर आया, वासिमपुर से चुन के आया, 2 बार किरानपुर से चुन के आया, जयसिंहपुर से चुन के आया, मैं योद्धा है, इनके साथ अपजान नहीं है, घर में बैठ गया अपक दुपक नहीं करता, मैं जनता में रहता लोगों में रहता, लोगों में मेरा इमेज है, लोगों में मेरा नाम है, लोगों में मेरा काम है, और लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, अब इनके अनेक बात, अब ये बोल रहे थे कि अफसर खान 5,000 वोट लेगा 7,000 वोट लेगा, अरे अफसर खान ने तो 70,000 वोट लिया, तुम्हारे कैंडिडेटों ने कितने वोट लिया वो बोलो ना, अब मुंह बंद होगा क्या, मुंह खोलो, और तू अगर सही शक्ति कपूर अगर तू सही होगा तो तू अब घर में बैठ, क्योंकि तूने खुद बोला हुआ है, और सेंटर से तुम्हारे समीर को दे, पूर्वों से अयूब जागीरदार को दे, या आरिफ हुसैनी को दे, या तुम्हारे और कोई होंगे उनको दे, सब तू मलाई तू खाएगा, हलवा तू खाएगा, और सबको छोकले खिलाएगा, नगर से कार्यकर्ताओं को सबको, तू ये हलवा खाना छोड़ और जलवा बता और अपना जिगरा बता, नगर सेवकों को मौका दे, सब तू ही मत ले, सब मेरे को आने दो, सब अंदर मत की, सब शाम का माल हंडी में मत कर, अरे तू सेंटर से लड़ेगा मेरा चैलेंज है, और अल्लाह के फजलो करम से तू खुद बोल रहा कि मेरी नियत में खोट है तो अल्लाह ताला कभी जिताए मेरे, तो तेरी नियत में खोट दी इसलिए तेरे को खासदार भी अल्लाह ताला ने गिरा दिया, और अब तू कहीं से भी लड़ेगा तो अल्लाह ताला गिराएगा, और जो रमजान के महीने में कोर्ट के अंदर खड़ी हुई मेरी बाहें थी पूरा महीना तेरे को समझा तोड़ तोड़ के बदवा दी, तू उन बदवाओं से गिरेगा, तू अगर समझदार है तो दे चांस तेरे ही लोगों को दे, वो आके इलेक्शन लड़ेंगे, उनको बड़ा बना, तू कब तक बड़ा बनता, बहुत बड़ा बन गया ना, गवर्नमेंट को लूट लेना, 2,000 करोड़ रुपया कमाया ना तूने,
और 500 से 600 बाबा बिल्डर ने कमाया, सबका भरना पड़ेगा, सबका निकलेगा। और तू ये बंदर भपका देना छोड़ दे, वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है जिसके पास तूने बोला, कब तेरे पे पलटी मारेगा और कब तेरे को तेरी ऐसा वक्त बताएगा। ये अफसर खान फेसबुक के लाइव से और इनके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा खून है, मेरा भतीजा है, कब तेरे पे पलटेंगे तेरे को पता भी नहीं चलेगा, समझा? ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम से। अफसर जी, ये सब मामले में जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप बता रहे हैं भी है, इसमें विकास का क्या मामला रहेगा? जैसे एमएलए इलेक्शन है, ये आपस में ही झगड़ों में खत्म हो, इसमें विकास क्या रहेगा? आपने विकास किया है क्या उसने? आज एक ऐतिहासिक काम मेरे को बता दो ना, 10 साल में आमदार के 5 साल था, एक भी ऐतिहासिक काम किया नहीं, पांचदार खासदार था, एक भी ऐतिहासिक काम किया नहीं। और अब वो बोल रहे हैं कि 15 मिनट वाले अकबर अवेशी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, औरंगाबाद में आ रहे हैं। आपने देखा होगा 3 साल पहले अकबर अवेशी ने एक स्कूल का उद्घाटन विकास मार के गए थे, और अब मैं समझता हूँ कि शायद बहुत भव्य स्कूल बन गया, 10-20 करोड़ रुपए लगा के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, उसके ओपनिंग के लिए आ रहे होंगे शायद औरंगाबाद और मालेगांव और महाराष्ट्र में, ऐसा मैं समझता हूँ। ये सब झूठे है, झूठों का बाजार है, मक्कार है लोग ये, और इनके मक्कारी में झूठ पे आओ मत। अल्लाह के वास्ते मैं शहरिया ने औरंगाबाद के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों, दोस्तों से और माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इनके बातों में आके, जज्बात में आके अपने होश मत खो। ये 2014 के पहले आपने देखा होगा पूरे देश में अमन, सुकून और शांति थी, 2014 से जब से ये आए हैं ये राम को गाली देते हैं, कहा जमीन कहा भली, उससे क्या फायदा होने वाला? ये बोलते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं और नान खलिया खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने पूरे मुसलमानों को, आज देखेंगे आप मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दरगाहों में घुस के मारा जा रहा है, मस्जिदों में घुस के मारा जा रहा है, ट्रेन में बुजुर्ग अपनी बेटी के लिए भैंस का मांस लेके जा रहे हैं, तो उनकी धुलाई कैसी हुई आपने देखा? ये सब जातिवाद बढ़ाने वाले ये 3 शख्स है, ये मीर सादिक और मीर जाफर, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद की एक सुपारी ली हुई है। और ये जब तक के ये तबाह और बर्बाद पूरे मुसलमानों को नहीं करते, दिग्गज नेताओं को तो कर दिए, अनेक लोगों को मरवा दिए, ये जब तक के चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक के पूरे देश के दिग्गज मुसलमान खत्म नहीं हो जाएंगे। और मुसलमानों की ये बहुत बड़ी सुपारी लेते हैं और बहुत बड़ा इनका पर्दाफाश इनके ही कार्याध्यक्ष ने कर दिया। आप लोगों ने देखा आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, और इसने पूरी ताकत लगाया, नाना पटेल को ताकत लगाया, थोड़ा साहब को ताकत लगाया, दिल्ली में ताकत लगाया, 2 दिन असद अवी से अंदर टूटा वहां बैठा कि डॉक्टर गफ्फार खादरी को टिकट नहीं मिलना, इन्होंने पूरी ताकत लगा दिया, हम पूरे सीट खड़े कर देंगे महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में, पूरे सीट डाल देंगे। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है बच्चे? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तेरे को तो चैलेंज कर दिया, अगर तेरे में दम है तो डॉक्टर के सामने लड़ ले, बच्चे बोल के बुलाया तेरे को, बच्चे आ जाए वहां लड़ ले, अगर तेरे में दम है और तू ताकतवर है और तेरे में ताकत है तो पूर्व से लड़के बता डॉक्टर के सामने, तो हम तेरे को मानेंगे। सर भी आपने औरंगाबाद शहर की जनता के लिए विकास के कौन कौन से काम किए वो भी बताओ। अरे मैंने तो अनेक काम किया, मेरे तो बहुत काम है, किरारपुरा में काम है मेरे, 2 बार किरारपुरा से शुरू किया, भीमनगर भासुपुरे में काम है, ईदगाह के बॉल कंपाउंड मैंने बनाया, कब्रस्तानों को जो फैसिलिटी आज मिल रही है वो फैसिलिटी के काम मैंने किया, और कब्रस्तानों में जितने वॉचमैन है श्रीमान अफसर खान की वजह से पूरे कब्रस्तानों में वॉचमैन लगाने का काम किया मैंने, वॉल कंपाउंड 3 सेट 4 सेट हाउस बनाने का काम, अंदर रोड डालने का काम, ऐतिहासिक काम ये अफसर खान ने किया, अनेक मस्जिदें टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद को रोकने का काम अफसर खान ने किया, छावनी रोड की मस्जिद रोकने का काम अफसर खान ने किया, जयसिंहपुरी की 2 मस्जिदें रोकने का अफसर खान ने काम किया, और टाउनाल की मस्जिद रोकने का अफसर खान ने काम किया। जहां जहां कौम और मिल्लत की बात आती है अफसर खान डंडे की चोट पे ढाल बन के पूरे शहर में कारपोरेशन में सेना और बीजेपी के हल्लक पे हाथ डाल के और पूरा फंड लाके पूरे विकास के काम किया, और इसीलिए मुझे विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं, इसीलिए मुझे अनेक वार्ड से चुनके जाते हैं, जहां मेरा अपना खुद का वोट नहीं है, मेरा अपना खुद का मत नहीं है, वहां से मुझे 4-4 बार लोगों ने चुनके दिया। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे 4-4 बार चुनके दिया, और वही 10 साल किरारपुर ने मुझे चुनके दिया था, इसलिए मैं रमजान के महीने में रोजे के साथ 1 महीना उनके लिए डट के खड़ा था और पूरे 100 बच्चों को छुड़ाने का काम मैंने किया। मैं एहसान फरामोश नहीं इसके जैसा, ये एहसान फरामोश है, कौम और मिल्लत ने 2 बार इसको इतना चुनके दे दिया, हलवे समझ, हलवा समझ, ये हर बार समझ रहा गाजर का हलवा,
हर बार खा लेगा। अब खाओ और मिल्लत बहुत उशारों के बच्चे, तेरे को तेरी जगह बताने का काम ये खाओ और मेरी मिल्लत करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। गफ्फार कादरी साहब ने इस्तीफा दिए, ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा ऐसा आपको लगता है, और कितनों के नंबर लगने वाले हैं? ये देखो अनेक लोगों के नंबर लगेंगे, अब लोग बहुत उशारों में, पार्टी के भी उनके लोग उशारों में, और मुस्लिम समाज के पूरे खौम और मिल्लत के इशारों में, बुजुर्ग के इशारों में, ये लोग सिर्फ सामने हथेली में जन्नत बताते हैं और बाद में पलट के देखते हैं। मालेगांव में अभी चिल्ला चिल्ला के कसर तोड़े कि हर महीने में आऊंगा, कहा है असद साहब, अरे तुमको न यहाँ की जनता ढूंढ रही है, हर महीने को आने का तुमने वादा किया था, पांच साल में एक भी बार आई नहीं, वैसे वादा किए थे उन्होंने वारिस पठान के लिए कि मैं हर महीने में आऊंगा, आई नहीं। दूसरी बार वारिस पठान का भी काम तमाम कर दिया भाई के लोगों ने, क्योंकि ये जाता ही नहीं, आता ही नहीं, देखता नहीं, सिर्फ बातें करते। इनको मालूम है कैसे जज्बात से खेलना, कैसे लोगों को जज्बात में लाना, और कैसा रोना, रोके नौटंकी करके। एक वीडियो भी देखा मैंने अंधे कुत्ते असद का, क्योंकि उसको कोई हज में मिल गया कि मैं जाली को पकड़ के कसम खा दूं, क्यों झूठ बोलता, 15 बॉटल खून तूने झूठ बोल दिया, और तेरे को कौन मिला हुआ वो आदमी को बता रहा था तूने, और जाली पकड़ के, ये सबसे बड़ी मुखद्दस जगह है, यहाँ तो छूटने में बीजेपी से पैसे मिलता, फिर तेरे पास 30-40 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहाँ से, पत्रे के घर में तू रहने वाला, और ये भड़कल गेट पे यहाँ रहने वाला, फातिमा बेगम को ब्लैकमेल करके बंगला ले लिया, अनेक प्रॉपर्टीज के नाम पे अनेक पुणे मुंबई लंदन दुबई सब जगह इसने खरीद कर रखा, सब फाइल तेरी मेरे पास है, मेरी फाइल अगर तेरे को देखना है, मेरे डॉक्यूमेंट देखना है, तो मेरा एफिडेविट जाकर निकाल ले, मैं एक भी चीज तेरे जैसी छुपाए नहीं, और नहीं तो तेरे एफिडेविट तीनों मेरे पास है। तेरे पास तो पहले जब आमदार लड़ा तो तेरे को फॉर्म के पैसे भी लेते, हमारे आरिफ मुल्ला ने भरे, तू इतना कमीना है कि उनको भी काम निकलने के बाद उनको भी हका दिया आरिफ मुल्ला को भी तूने, जिसके पास तेरा काम रहता तो उसके पेट में मुंडी देता, खासदार में तूने अनेक लोगों के पेटों में मुंडी दिया, अब आमदार का इलेक्शन आएगा, अनेक लोगों को जाके पैरा पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, इलेक्शन क्या होता है, 10 साल में तेरे को सब आयता मिल गया, सब मिल गया आयता, ये खासदार में तेरे को मैंने 2024 में इलेक्शन क्या होता है, लोहे के चने कैसे चबाना पड़ते हैं, छोटे छोटे लोगों के घर पे कैसे जाना पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने तेरे को बता दिया, अब यहां से तू इलेक्शन लड़ेगा तो तेरे को हमेशा लोहे के चने चबाने पड़ेंगे बच्चे, ऐसा मैं कहता हूँ। अफसर भाई, ये जो जनता बात चल रही है कि अफसर भी इलेक्शन किस तरह लड़ेगा, अगर आपको वंचित से टिकट नहीं मिलता, सपोज प्रकाश अंबेडकर जैसा पता है, तो आप अपक्ष लड़ेंगे इलेक्शन कहीं से? ये देखो मैं बाला साहब अंबेडकर साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे नेता का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कहाँ से आदेश देते। मैंने बोल दिया मैं योद्धा हूँ, जाग की बाजी लगाने वाले को कहते हैं जाबाज, तो मैं जाबाज हूँ, मेरे नेता ने जहाँ से आदेश दिए मैं वो आदेश का पालन करूंगा, और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, जैसे खासदार की इलेक्शन लड़ा उससे भी बढ़िया इलेक्शन ये लड़ूंगा, और रिजल्ट लाके दूंगा, और कौम और मिल्लत के लोग मुझे सुनाकर देंगे, मैं इसे पूरा मेरे कौम और मिल्लत पे, मेरे प्रकाश अंबेडकर साहब पर, मेरे दलित समाज पर, अनेक समाज से मेरे रिलेशन, अनेक समाज से मेरे मेल जोल है, वो समाज मुझे जीत के देगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आदर्श घोटाले में भी जो उसने काम किया, आदर्श घोटाले का जो उसने इशू उठाया, आदर्श घोटाले की जो उसने बात किया, पहले आदर्श घोटाले वाले मेरे वहां पे अनेक लोग मेरे साथ हैं, अनेक लोगों ने मेरे को पहले 5 करोड़ की डिमांड करा, फिर 3 करोड़ की डिमांड करा, फिर 2 करोड़ की डिमांड करा, इसको महापर्स ने वो खुद अंदर था, बोला मैं पैसे काट देती हूँ, इसलिए इन्हें इतना एग्रेसिव होते, ना इसने हज हाउस के लिए आंदोलन करा, ना इसने मुस्लिम आरक्षण के लिए सीएम डिप्टी सीएम आए उनको घेरा डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर घेरा डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर कमिश्नर ऑफिस गया, आदर्श घोटाले के लिए बराबर सीएम को काले झंडे बताने की बात करा, अरे लेकिन तूने मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं किया, मुस्लिम समाज के लिए तू क्यों नहीं गया, मुस्लिम आरक्षण के लिए क्यों नहीं गया, और तू हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हो रही वो कमीने को अंदर करो बोल के सीएम का घेराव क्यों नहीं करा, अरे तू तो सीएम से गले जुड़ता है, तू तो डिप्टी सीएम के इशारे पे काम करता है, तू अनेक लोगों को अब गुमराह करता है, अब तेरा वक्त और समय आ गया, आराम कर, घर में बैठ अच्छे से, और जो कमाया है 2000 करोड़ उसको अच्छे से यूटिलाइज कर, नहीं तो आखिरी में है क्या है जाएगा,
ये जो मिलाने की बात कर रहे हैं आप, तो दो समाज को मिलाने की कोशिश इंदिरा सेवन भी कर रहे हैं, जरांगे पाटिल से भी मुलाकात की, मराठा मुस्लिम क्या जरांगे पाटिल से भी मिले, दो समाज को मिलाने का काम। आप जरांगे पाटिल से जाके मिला, लेकिन जरांगे पाटिल इससे पहले का आप बाइट देखो उसका, कि जो मराठा समाज, एक मराठा, लाख मराठा, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा, कोई फॉर्च्यूनर को में घूम रहा, कोई वो, इनको आरक्षण की जरूरत क्या है? ये उसने पहले बोला, पेटिशन डाला मराठों को आरक्षण मत दो, फिर पेटिशन विड्रॉल कर लिया, और जब मराठों को आरक्षण मत दो और वो तो ये लड़ता है, मैं तो आदर करता हूँ जरांगे पाटिल का, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, अपनी फैमिली को त्याग कर रहा है, खुद मरने से नहीं डर रहा है, ये अब वोटों की भीख के लिए वह जा रहा है, चापलूसी कर रहा है, लेकिन इसकी कोई दाल भाग करने वाली नहीं। इसने इसका पहला स्टेटमेंट मराठों के खिलाफ था, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 5-5 लाख की गाड़ियों में, 10-10 लाख की गाड़ियों में, 100-1-1 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और इनको आरक्षण की क्या जरूरत है, ऐसा इसने ही बोला था। इसलिए जरांगे पाटिल इसको कोई घास डालने वाला नहीं, और जरांगे पाटिल इसकी बातों में आने वाला नहीं, वो समझदार इंसान है और वो समझदारी से काम लेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सर।